एक दुकान पर मैं गया उधर, और मुझे को पता नहीं, वो उस आदमी पता नहीं को समझा मेरे को बहुत बड़ा बुजुर्ग, मुझसे कहने लगा जुनेद भाई जरा दुआ फरमाइए, फिर मेरे को बरकत हो। मैंने कहा दुआ नहीं, मैं कसम उठाता हूँ तो मेरे दुकान में बरकत होगी। तो वो कहने लगा जी क्या मतलब। मैंने कहा यार एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, ये जो बिल्ला लगा हुआ है ना, खरीदा हुआ माल वापस नहीं लिया जाएगा, ये उतार दो। कहता है ये तो नहीं हो सकता। मैंने कहा फिर वो भी नहीं हो सकता। आप इनकी गैरों की दुकानों पर जाएं, पीछे लिखा होता है रिफंड, के परेशान ना हो यार खरीद ले, नहीं पसंद आएगा वापस कर देना। हाँ, और यहाँ इकबाल भाई मेरी दुकान में दाखिल हुए, मैं देखते समझ गया नॉटिंगम से आए, ठीक है। मैंने इनको 20-25-30 हज़ार की शॉपिंग कराई, ये खरीद के वापस चले गए। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, अगर अगले दिन ये मेरी दुकान पर मेरे बैग लेकर आ रहे हैं वापस, तो क्यों आ रहे हैं? क्या ख्याल है आपका, क्यों आ रहे हैं भाई साहब वापस करने आ रहे हैं? ये तो आपको पता चल गया, मुझे नहीं पता चलेगा इस बात का? मुझे तो पता चलेगा ना, मैं तो रोज करता हूं इस काम को। अब मेरा क्या एटीट्यूड होगा? मेरा एटीट्यूड ये होगा किसी तरह इसको, इसका एक रुपया भी वापस ना करूंगा। पहले तो पहचानूंगा ही नहीं इसको बेचारे को, फिर अगर इसने मुझे 25 दफा याद भी कराया, मैं कहूंगा क्या मसला है तुम्हारे साथ। पूरी कोशिश करूंगा इसको एक रुपया ना दूं, ये किस दिल से वापस जाएगा? टूटे हुए दिल से जाएगा ना। और मेरे नबी का फरमान है, तुमने बेचा हुआ माल वापस ले लिया तो जन्नत के वस्त में तुम्हारे लिए एक महल की जमानत मैं देता हूं। जन्नत का वस्त, ये आप लोग तो कहीं बाहर से हैं, जरा सेंट्रल लंदन गाड़ी तो लेके जाएं अपनी आप, 12 पाउंड तो अंदर घुसने के देने हैं आपने। और सेंट्रल लंदन में अगर आपको अपार्टमेंट मिल जाए, और वो तो महल की बात कर रहे हैं अल्लाह के नबी, सर क्या कीमत होगी सेंट्रल, एक अपार्टमेंट की क्या कीमत होगी? 4-5 मिलियन पाउंड से कम का तो नहीं होगा सेंट्रल लंदन का अपार्टमेंट। तो ये तो लंदन है, वो जन्नत है, उसके सेंटर में जो अपार्टमेंट होगा वो क्या महल होगा। हाँ, तो ये पक्का वादा है, अब बरकत होगी माल के अंदर, लेकिन यहां तो जेब से पैसे जा रहे हैं, क्या करूं? तो अजीज दोस्तों, अपने यकीन कमजोर हैं, अल्लाह के वादे सच्चे हैं, अल्लाह के वादे सच्चे हैं। जब दीन जिंदगी के अंदर आता है मेरे दोस्तों, जब दीन जिंदगी में आता है, ईसार का मिजाज बनता है।